जय हिंद दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि कई लोग ट्रेन में चेन पुलिंग करके वैक्यूम मार देते हैं, जिसके कारण फिर ट्रेन तीन छोटे छोटे हॉर्न देखकर रुक जाती है। दरअसल वो तीन हॉर्न गार्ड और आरपीएफ के लिए संकेत होते हैं कि किसी ने वैक्यूम किया है, जिसके कारण फिर ट्रेन रुक रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ट्रेन का ड्राइवर चाहे तो वह बिना रुके ट्रेन को आगे बढ़ा सकता है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कैसे? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल ट्रेन के ब्रेक ऑटोमेटिक ही हमेशा लगे हुए रहते हैं। वो तो ड्राइवर इस ब्रेक शू को दो पाइप की मदद से प्रेशर लगाकर 5 मिलीमीटर दूर हटाकर रखते हैं, जिसके कारण फिर ट्रेन चलती है। लेकिन जब ड्राइवर को ट्रेन रोकना रहता है तो वह प्रेशर को निकाल देते हैं, इसलिए आपको ट्रेन रुकने समय करके आवाज सुनाई देती होगी। वह प्रेशर इन दो पाइपों की मदद से आता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस चैन को पुल करते हैं तो एक पाइप की प्रेशर को निकाल दिया जाता है, लेकिन दूसरे पाइप का प्रेशर लोको पायलट यानी ड्राइवर के कंट्रोल में होता है, जिसके कारण से अगर वह ड्राइवर चाहे तो दूसरे वाले पाइप के प्रेशर से ब्रेक शू को दूर रखकर ट्रेन को बिना रोके आगे बढ़ा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।